तो दोस्तों यहाँ पर अपकमिंग आईफोन की रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। आईफोन 13 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आईफोन 13 सीरीज के बारे में आप सभी जानते हो कि यहाँ पर 13 सीरीज के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले टच आईडी देखने को मिलेगी, क्योंकि मास्क के साथ में फेस आईडी ठीक से काम नहीं कर रही है। इसी वजह से इन डिस्प्ले या फिर अंडर डिस्प्ले टच आईडी हमें देखने को मिलेगी आईफोन 13 सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईफोन SE प्लस को लेकर। SE प्लस को लेकर के यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि SE प्लस हमें जल्दी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइसिंग होने वाली है SE प्लस की वो आईफोन SE के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है, 100 डॉलर ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम लॉन्च प्राइसिंग की बात करते हैं आईफोन SE की, यानी कि आईफोन SE 2020 की, तो जो लॉन्च प्राइस थी वो $399 थी, और यहाँ पर जो आईफोन SE प्लस होने वाले उसकी $499 देखने को मिलेगी, यानी कि करीब 36-37 हज़ार इंडियन रुपीस। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं हम आईफोन SE 2020 की, तो यहाँ पर जो हार्डवेयर यूज़ किया गया था वो आईफोन 8 का यूज़ किया गया था, और यहाँ पर आईफोन SE प्लस के अंदर जो हार्डवेयर यूज़ किया जाएगा वो आईफोन XR का यूज़ किया जाएगा। ऐसे के अंदर सिंगल रियर कैमरा देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल का। इसके अलावा जो फ्रंट कैमरा होने वाला है वो हमें 7 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, नोच के साथ में उतनी नोच जो हमें आईफोन XR के अंदर देखने को मिली। इसके अलावा प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर एप्पल का लेटेस्ट A14 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले साइज की, तो 6.1 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा, साथ ही में कोई भी टच आईडी देखने को नहीं मिलेगी जैसे आईफोन SE SE 2020 के अंदर देखने को मिली। यहाँ पर हमें फेस आईडी देखने को मिलेगी जैसे कि हमें XR के अंदर देखने को मिलती है, और साथ ही में IP67 की रेटिंग देखने को मिलेगी वाटर रेजिस्टेंस की। तो फिलहाल यही डिटेल्स हैं इन्हीं रिपोर्ट्स को लेकर के आईफोन SE प्लस को लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ।